पोर्टर है पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट की वेंडी गिलमोर और इनसे बात करते हैं. We are having a celebration of Canada and Pakistan's shared mountain culture tonight. Pakistan ke culture ko dikhaya ja raha hai Canada ki taraf se aur Pakistan ki khoobsurat wadiyan pahad jo glaciers hain wo usko sar karte hue logon ki filmein dikhai ja rahi hain. It's really important to have activities outdoors in the winter. Sugar on snow. Yani ki barf pe meethi koi dish. Ye bilkul ice cream ki tarah hai ye स्नो के ऊपर पड़ी हुई है और यहाँ आए खाएं ये सिरप है उसका मैपल का और क्रीम खाते हैं वैसे कहते हैं ठंडा हो गया मुंह ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई शहर मिला है. इस तरफ मलबूसात है. थैंक यू वेरी मच. अब मैं मलबूसात के फिल्म फेस्टिवल दिखाया जा रहा है. 4 से 5 फिल्में हैं. Canada is working with the women and girls across Pakistan. Hamza ka rubi par kirat 2500 ka 2500 par kirat 9900 ka ho gaya 9900 ka hai ye kam se kam ek aur ye 8500 par kirat hai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं हूं टीका खान सानी आपका दोस्त और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के एक 5-स्टार होटल में. यहां पे कनाडा और पाकिस्तान के मुश्तरका कल्चर खास तौर पे खेलों की सरगर्मियां पाकिस्तानी ख़वातीन को खेलों में रागिब करना और एम्पावर करना इसके साथ साथ दीगर पाकिस्तान की सकाफत यहाँ पे मुख्तलिफ शुमाली इलाका जात और ख़ासतौर पर पहाड़ी इलाकों के जो कल्चर हैं वो यहाँ पे मेहमानों को बुलाकर दिखाया जा रहा है. पाकिस्तान के मौसमी खतरात ख़ासतौर पे ग्लेशियर से मुतालिक चीज़ें यहाँ दिखाई जा रही हैं. जो एफर्ट की जा रही है कनाडा की तरफ से पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में कुदरती आफात से बचाने के लिए उसके बारे में भी बताया जा रहा है. यहाँ पर मेहमान हैं कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर और इसके साथ साथ पाकिस्तान से मेहमान बुलाई हैं शेरी रहमान जो कि वफाकी दीन मौसमियाती तब्दीली हैं. एक फूड आइटम तैयार हुई है. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आप? कैसे हैं सर? ये क्या तैयार कर रहे हैं आप? सर ये ट्रेडिशनल कैनेडियन रेसिपी है शुगर ऑन स्नो. अच्छा शुगर ऑन स्नो कैनेडियन रेसिपी आप यहाँ तैयार कर रहे हैं. यहाँ खाने वाला कौन होगा? जिससे भी मेहमान आए वो सारे खाएंगे. शुगर ऑन स्नो यानी कि बर्फ पे मीठी कोई डिश दिखाई ना शक्ल दिखाई आपको. ये देखिएगा जी मैपल की है ये जी प्योर मैपल सिरप की. प्योर मैपल सिरप मैपल ये मैपल ट्री जो है वो देखिएगा कैनेडियन फ्लैग का निशानी है. और इसके बाद इसको कैसे आइसक्रीम खाते हैं वैसे कहते हैं जबरदस्त ऐसे लग रहा है ठंडा हो गया मुंह ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई शहद मिला है. मैपल सिरप हनी मैपल सिरप ओके ज़बरदस्त चीज. ये कहाँ कहाँ आपको यहाँ पे दस्तियाब होगी? आम लोग अगर खाना चाहें तो मैपल सिरप बेसिकली ये कैनेडियन एक मेन वो है जो कहें कि आप नेशनल ट्री है. नेशनल ट्री है जिसका लोगो इस पे झंडे पे भी है. तो ये सबसे ज़्यादा दुनिया में मैपल जो है ना कनाडा में पाया जाता है. अच्छा तो पाकिस्तान में बहुत रेयर है मैपल सिरप. ज़बरदस्त ये कल्चरल शो है. अब हम आपको ये फूड आइटम आपको दिखाई है. ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है. ये स्नो के ऊपर पड़ी हुई है और यहाँ आए खाएँ ये सिरप है इसका मैपल का और इसके साथ साथ ये उसके साथ क्या है? ये भी मैपल सिरप है. अब अंदर जाते हैं. अंदर जाके मेहमानों से मुलाकात करते हैं आपकी मुलाकात करवाते हैं और इसके साथ साथ चलते चलते आइएगा ज़रा. ये देखिएगा यहाँ पे मलबूसात हैं. खूबसूरत डिज़ाइन और आप देख सकते हैं इस जगह पे ये हाथ से कढ़ाई की हुई चीज़ें दस्तकारी गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू और इन शुमाली इलाका जात और चित्राल की टोपी. और ये देखिएगा ज़बरदस्त ये क्या है जी? ये स्टोन के
मुख्तलिफ नेकलेस और ये तस्बीह है और ये ब्रेसलेट है और इस तरह रिंग्स हैं स्टोन्स की और ये स्टोन्स इन इलाकों में पाए जाते हैं मुकामी ये हंजा से। आपका नाम क्या है? अमरीन। अमरीन ये क्या है? ये जेम स्टोन्स और ज्वेलरी है ओरिजिनल। कहाँ की? हंजा से। आपका नाम क्या है? नाजिया। नाजिया क्या है ये सब? ये सारी हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, इसमें बैग्स हैं, इसमें वॉल हैंगिंग्स हैं और इसमें बाकी और सी चीज़ें हैं और मुख्तलिफ ये असल में ख़वातीन ने बनाई हैं, टोटली हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं ये सारी। बेसिकली पीपल टू पीपल कल्चर जो पाकिस्तान और कनाडा शेयर करता है, माउंटेन कल्चर शेयर करता है, जिस तरह के हमारे नॉर्थ में माउंटेंस हैं इसी तरीके से कनाडा में भी माउंटेंस हैं और जो स्नो स्पोर्ट्स हैं माउंटेन क्लाइंबिंग हो गई, स्कीइंग हो गई, जो पाकिस्तान में भी हम इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इनकरेज करने की कोशिश कर रही है। अच्छा ये क्या है आप जरा बताइएगा? ये भी हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये उन लड़कियों ने बनाया जो अपने स्कूल का खर्चा अपनी एम्ब्रॉयडरी के साथ मुकम्मल करती हैं। अच्छा इसी तरह की छोटी छोटी पीसेस बनाती हैं, अभी सीख रही हैं, जो लोकल हमारा कल्चर जो खत्म हो रहा था उसको ये लोग वापस प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह का अभी जी अंदर एक कल्चरल शो है, आपको वो दिखाते हैं। स्नो जहाँ पे हो रही है वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज ये बुनियादी तौर पे देख सकते हैं, आइस हॉकी और ये दिखाया गया है आपके सामने, डेमो करके दिखाया गया है, ये सामने पड़ी हुई है, आप खेल भी सकते हैं और इसी तरह सारी एक्टिविटीज़ यहाँ दिखाई गई। कैनेडियन हाई कमिश्नर खुद यहाँ पे स्केटिंग करते हुए स्नो के ऊपर और बड़ा हौसला बढ़ा रही हैं कि यहाँ पे भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज हैं वो आए और आके इस एक्टिविटी को बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का कल्चर दिखा रहा है, कैनेडियन स्पर्धा ना पाकिस्तान का कल्चर यहाँ दिखा रहा है। ये देखिएगा ये खूबसूरत बात, ये देखिएगा अंदर जाते हैं, अंदर जाके तकरीब का हाल भी देखते हैं, ये देखिएगा अंदर तकरीब मौजूद और मैं जिंदा हूँ इससे जो काम आ सकती है और खासकर मेरे आवाम के लिए वो काम मैं अंजाम दूंगा। Thank you, Charmaine, and congratulations on creating these amazing resources. This is the first year the festival has come to Pakistan. I'm just going to give you a quick sneak peek of what you're about to experience as soon as you get your dinner. क्या चल रहा है अंदर? हमारी बैम फिल्म फेस्टिवल है जो कि हमने क्लाइमेट चेंज हमने से मुराद हाई कमीशन ऑफ कनाडा ने जो क्लाइमेट चेंज पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो है वो मूवीज हैं जो हम यहाँ पे टेलीकास्ट कर रहे हैं। कितनी मूवीज दिखा रहे हैं यहाँ पे और किस किस्म की ऑडियंस है आज? I think 4 or 5 movies hain, it's not too long, they are very short, like 4 to 5 minutes. Ye Samne Film Festival hai, ye Shraka hai aur is waqt film dikhai ja rahi hai, wahan se dekh rahe hain. इस एग्जीबिट में फिल्म दिखाई जा रही है जो तुर्की में तैयार की गई है। Which is very important.
They're beautiful. What's your name? Mandy. From Canada? Canadian High Commission, yes. Okay, Canadian High Commission. Okay, can you tell me about these stones and these cultural dress? Well, I don't know much about the stones except that they're beautiful and I'd like to purchase one. इस वक्त ही Canadian High Commissioner Mandy Gilmore मेरे साथ मौजूद हैं और ये दस्तकारी का सामान जो है इसके साथ यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा रगबत रखती हैं पाकिस्तान के कल्चर से, खासतौर पे ख्वातीन के जो ड्रेसेस हैं, वुमेन ड्रेसेस, उसमें बड़ा दिलचस्पी रखती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ही सपोर्टर है पाकिस्तान में, वुमेन एम्पावरमेंट की मैंडी गिलमोर, इनसे हम बात करते हैं कल्चर के बारे में, कुछ थोड़ा सा बताएं, वुड यू लाइक टू टेल मी समथिंग अबाउट दिस ड्रेसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. We are having a celebration of Canada and Pakistan's shared mountain culture tonight, and we are doing so to support women and girls' empowerment in sports, and we're so pleased to have so many representatives of North with us this evening. The handicrafts are extraordinary. The talent that there is in the North, especially from women, is really marvelous. Okay, like tell me the contribution of Canadian High Commission for women empowerment in Pakistan. So Canada is working with the women and girls across Pakistan, but especially in Gilgit-Baltistan and Chitral, to support their empowerment, to make sure that they have a means of earning livelihood, and to support their families. What do you think that what Pakistan should do for promotion of the sports? So it's really important to have activities outdoors in the winter. In the northern communities, traditionally, people didn't get outside too much. But with the changing climate, there are opportunities also for tourists. So it's important that we take advantage of those opportunities. Thank you very much, Mandy Gilmore. And ये नाज़रीन आपको कल्चर दिखाना चाह रहा था. इन ख़वातीन से भी बात हुई और ये इस वक्त इवेंट को जो सजाया है वो वैंडी गिलमोर ने, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी खातून, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली खातून है, और स्पेशली पाकिस्तानी वुमेन से, शी लव पाकिस्तानी वुमेन. एक हुकूमत चली गई, दूसरी हुकूमत आ गई, ऐसी सूरत में कुछ मुल्कों के बारे में तो साजिश की बात हो रही है, और कैनेडा के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे पाकिस्तान के कल्चर को दिखाया जा रहा है कैनेडा की तरफ से, और पाकिस्तान की खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, जो ग्लेशियर्स हैं वो उसको सर करते हुए लोगों की फिल्में दिखाई जा रही हैं. साजिद पारा का बेटा यहाँ पे मौजूद था, और आज ये कल्चर पाकिस्तान का दिखाया जा रहा है, ये अजरक, ये टोपियाँ, इसके साथ साथ ये स्टूडेंट्स. We are so lucky these lovely women have come from Gilgit-Baltistan and Chitral with their incredible products to join our event this evening to celebrate mountain cultures and the partnership between Canada and Pakistan. Madam, you love Pakistan and we love Canada and you people. Thank you very much. Canada का ये पाकिस्तान के लिए खास तौर पे आज का दिन पाकिस्तान के साथ मुश्तरका शो करना मेरे लिए तो बहुत खुशी का सबब है. कैनेडियन हाई कमिश्नर आज यहाँ मौजूद थी, पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान की सकाफत से इनकी मोहब्बत छलकती नज़र आती है हमें, और अल्लाह करे कि सारे ममालिक ऐसे ही करते रहूँ. टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा इस्लामाबाद से, आपको फिर मुलाकात होगी आपसे, और इसी तरह के त्यौहार, इसी तरह की तकरीब आपको दिखाएंगे अल्लाह ने के बाद.